इस कैंप आरआर और हेडक्वार्टर 7 सेक्टर। इस कैंप के दौरान कैडेट्स को ड्रिल, फायरिंग, वेपन ट्रेनिंग, पीटी के बेसिक ट्रेनिंग दी गई और मिलिट्री परफॉर्म किया, जिस विक्रांत पाटिल एसएमवी एसएमओ इन कैडेट्स को प्राइज से नवाजे। ये आपने अपने आपस में जितना आप साथ काम करोगे उतना आपका एरिया ऊपर जाएगा। उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान निछावर की है। वेरी गुड। कहाँ पे पढ़ते हो आप? कॉलेज लंदन एंड क्लैप। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपने 20 मिनट के संबोधन में जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत उम्मीदें थी कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ जरूर घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा निराशा हुई हमें कि जम्मू कश्मीर को लेकर के उन्होंने अहम मुद्दों को लेकर के मासूम लोगों की किलिंग्स को लेकर के और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हिंदू मुस्लिम सिख भाई बहनों के कत्ल और मजदूरों के और बाहरी प्रदेश से प्रवासियों के कत्ल के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। और हम कब से ये गुजारिश कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि कृपया करके आप जम्मू कश्मीर को लेकर के एक बयान जारी करें और साथ में जम्मू कश्मीर का दौरा करें। आज जम्मू के लोग भी और कश्मीर के मुस्लिम بہ چھس حاجی خضر محمد دندرو مے وت پتم 5-6 وری اٹس مس کام کران اور اس آب تھوڑا سا یہ پیوانس اچھان آبس آج تین کور سرکار کہین ازالہ ات پہ بارہا کور اس کوشش کہ کرو یم اعلی اقتدار سے تمہن واتن پنس تو مگر ونیک تین بدقسمتی کہ اچھے یعنی کہین سنوائی گا اگر تھی ونکس تیچو وی اوتر پیو یہ ترین ٹون گھنٹن
जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद एक ड्रोन ग्रिड बनाने के लिए डीजी जेएनके के आदेश था, उसके उसमें हम लोग सीआरपीएफ मिलकर ड्रोन ग्रिड बनाया है, पुलिस और सीआरपीएफ। ड्रोन ग्रिड का मकसद यही है कि जो माइनॉरिटीज एरिया है उसको हम लोग कितना बेटर तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो ये इसलिए भी है सर क्योंकि थोड़ा सा आई वांट टू नो इज इट फॉर द यू नो होम मिनिस्टर्स विजिट और जस्ट कमेंस फ्रॉम टुमारो। दिस विल कंटिन्यू, दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, इट्स नॉट बेसिकली फॉर द। जिस तरीके से हालात कश्मीर में बने हैं, कश्मीर घाटी में, तो सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्स कितना सतर्क थे और कितना चेक करने इन चीज़ों को निपटने के लिए, इस तरह से सिविलियन टीम्स हो। अभी यू नो मैं अभी ड्रोन के बारे में बताने के लिए आप लोग बुलाया, इसलिए ड्रोन के अलावा कोई चीज़ पर बात नहीं कर रहा, तो ये सब पुलिस के काम है, पुलिस बताएं। कब तक कंटिन्यू रहेगी ये? अभी कंटिन्यू निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिए जो हमारी पीढ़ी है कि मेरे साथ जो पांच प्रतिभा जुड़े हैं तो शायद इस मुहिम को हम और ज्यादा बढ़ा सकेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद। लगातार हिंदुओं के घरों के अंदर तोड़फोड़, उनके घरों को आगजनी और उन कई हिंदुओं को जो है वो मारा गया, उनकी हत्याएं की गई। अभी तक जो आया है कि 6 हिंदुओं की हत्या हुई है और 66 से ज्यादा घरों को जलाया गया है और उनको तोड़ा गया है और बहुत ज्यादा जो 20 से 25 मठ और मंदिर जो है वो तोड़े गए हैं और 71 से ज्यादा एफआईआर जो वहाँ। We want justice. हम क्या चाहते? We want justice. हम क्या चाहते? We want justice. हम चाहता हूँ, हम पिछले 6 महीने से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मीडिया हमारा काफी साथ दे रही है। सर मसला ये है कि कल सर जो एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है सर उसमें भी सर हमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई सर, वो इन्होंने रखा 18 से 28। सर पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ यार, ये कहाँ पे 18 साल का ग्रेजुएट होता है? हम पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे 18 साल का ग्रेजुएट हो रहा है सर, हमें बिल्कुल ना मंजूर है, हमें कम से कम 21 से 35 तक सर हमारी एज बढ़ाई जाए। सर यहाँ पे काफी अनएम्प्लॉयमेंट है सर, आप रिसेंटली आए यहाँ पे 21 पर। बता दे अयूब मलिक उसकी टीम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेचा या उनसे काम लिया? कोई कनक लगा दे तो मुंह काला करने के लिए हम तैयार हैं बाजार के अंदर। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर किया काम किया, वफादारी और ईमानदारी से काम किया। ये 3-4 सालों में जैसे रामपाल जी का नाम ले रहा हूँ मैं, खालिद साहब का, गुप्ता साहब का, बिंदा मित्रा जी का, सीता जी का और लक्ष्मी दत्ता जी, सुरेंद्र साहब, खासकर सुरेंद्र सिंह, इन्होंने अपना रास्ता निकाला। तो डॉक्टर साहब अब मैं यही कहता हूँ, अगर पार्टी चलनी है तो वो वर्कर और लीडर के जो मतलब दूरी थी उनको क्लोज करना है डॉक्टर साहब। और जितने भी डॉक्टर साहब वर्कर हैं, वर्कर को कुछ नहीं चाहिए होता, कोई काम नहीं हमने दिया आज तक, 96 से लेकर आज तक हमने वर्कर का काम किया या नहीं किया। अनूप जैसे आदमी आज भी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में चल रहे हैं, रवि डोगरा हमारा साथी है, फरमान अली है, प्रवेश कादरी साहब यहाँ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, वो भी सामने आ जाए, उन्होंने भी तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जाने, वो स्टेट सेक्रेटरी है यहाँ हमारे साथ, इसमें उसको प्रवेश कादरी
उठियो नहीं भैया बड़ा कहीं डॉक्टर साहब शाहिद साहब किधर आप लोग दोस्त थोड़ा भाई साहब डॉक्टर साहब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब जैसे मैंने अपने हराया।